हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं मेरे हिबिस्कस में दोनों ही कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं। और जब दोनों कलर के खिलते हैं ना, बाय गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और एक चीज़, ये दीप मालती की बेल भी इसमें हो रही है, जबकि मैंने इसको निकाल दिया था ये पिछले साल, फिर दोबारे से हो गई। शायद इसमें नीचे जड़ रह गई होगी। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है और प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। और ये मेरा खूबसूरत फाइकस है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैंने फाइकस को कैसे इतना बुशी बनाया है। ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, हाइट होगी समथिंग 3 फीट, और बुशी तो बेशुमार हो चुका है ये। मैं क्या करती हूँ इसको इस तरीके से, जब ग्रोइंग पीरियड आता है ना इसका, तब मैं यहाँ से इसको पिंच कर देती हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसमें वाइट पदार्थ निकलता है इस तरीके से। तो जब भी आप इस तरीके का काम करें जैसा मैं बता रही हूँ, काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें वाइट पदार्थ निकलता है, तो आप अपने हैंड बहुत अच्छे से वॉश कर लें। और ऐसे प्लांट्स को भी बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें। तो अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है, बरसात आ चुकी है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपका प्लांट ना बहुत ज़्यादा बुशी हो जाए, तो आपने ये काम करना है। एक साथ जितने भी ये नोड एरिया होते हैं ना, सब में से इस तरीके से पिंच कर देना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकल के आएगा। और बुशी तो आप ऑलरेडी इतना हो चुका है, फिर भी मेरा मन है कि थोड़ा सा और करूं मैं इसको बुशी। तो ये लीजिए, मैंने इससे प्लांट से वैसे एक प्लांट भी बना लिया है काफ़ी, और मैं आपको दिखाती रहती हूँ वो प्लांट हर वक्त। मैंने उसको पिछले साल एक कटिंग लगाई थी, जो कि इस साल वो बहुत ही अच्छी निकल के आई है, बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। तो गाइस, आप भी इस तरीके से फाइकस से फाइकस बनाएं, बहुत अच्छा कटिंग से लग जाता है। कटिंग की एक ब्रांच इस तरीके से ले लें, ये देखिए, और लगा दें, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो ये देखिए, मैंने इस प्लांट्स में से काफ़ी सारी पिंचिंग कर दी है। जब भी मौका लगता है और नज़र पड़ती है, तो इस तरीके से लग रहा है मेरा ये गार्डन। सो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भाई बहन पहली बार हैं, उनसे कहना चाहूँगी सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक एंजॉय दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।